रोही जी, आपका स्वागत है अल्टरनेट कश्मीर के रूबरू के शुमारे में। तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस चाय जाय के लिए, क्योंकि काफ़ी फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में। तो हम आपसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे और चाय जाय के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ आपका भी और अल्टरनेट कश्मीर का भी और सबका, जिनको चाय जाय बहुत पसंद आया है आज तक सब कश्मीरियों का। मेरे बारे में तो मैं कश्मीरी हूँ और बॉम्बे में रहती थी। इनफैक्ट कोई 18-19 साल मैं बॉम्बे में रही हूँ और अभी 3 साल पहले कश्मीर वापस शिफ्ट किया है। एंड मैं एक्चुअली ई लर्निंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, ई लर्निंग प्रोफेशनल हूँ, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता बोलना हूँ क्योंकि वो अब 3 साल पुरानी बात हो गई है और मुझे लगता है अब उस काम के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। सो चाय जाय ने सब कुछ बुला दिया है। एंड 3 साल पहले हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे और मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली थी, कहनो जिसका नाम है। और मेरा इंटेंशन ये था कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ पे अपना काम, अपना ई लर्निंग का काम शुरू करूँ। तो मैं क्या करती थी, टाटा के साथ काम करती थी, टाटा इंटरैक्टिव सिस्टम्स के साथ, और वर्ल्ड वाइड हम लोग कॉर्पोरेट्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोर्सेज मैं डिज़ाइन करती थी। सो बेसिकली तालीम को, नॉलेज को डिज़ाइन करती थी और वो लेके यहाँ। और आई डोंट नो, आप तो अभी उम्र में बहुत छोटे हो, लेकिन सब प्रोफेशनल्स का मेरे ख्याल से, बहुत सारे प्रोफेशनल्स का ख्वाब सा रहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप अपने बॉस हों और आपका कंट्रोल अपनी ज़िंदगी पर हो, अपने वर्क पे हो, जो कि जब आप एक नौकरी करते हो, एक जॉब करते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप किसी और के लिए काम करते हैं और फिर आप तो जानते हो 16-17 घंटे का दिन होता है, सो यू हैव टू वर्क एंड फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो हाँ, उसको आपको मैंने कभी अपने आप से अलग नहीं किया, हमेशा कोशिश करती रही। सो उसी इंटेंशन से मैंने कहानों को शुरू किया था। एंड दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि मुझे लगता है कश्मीरी जो हम लोग हैं, सब कश्मीरी, एटलीस्ट जितने कश्मीरियों को मैं जानती हूँ, हम लोग बहुत अटैच्ड हैं इस जगह के साथ। क्यों हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी तकलीफ भी है इधर, तकलीफ कितनी ज़्यादा है, उनको तो बहुत है जो यहाँ है, लेकिन पीपल लाइक मी हुआ जो बाहर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली तो हमने वो तकलीफ़ नहीं उठाई है, लेकिन मुझे लगता है हम सब लोग बहुत जुड़े हुए हैं इस जगह के साथ और हमेशा वापस आना चाहते हैं। सो ये मौका मुझे मिला था, सो आई केम। और लेकिन मुझे वो स्किल सेट जो चाहिए था वो नहीं मिला इधर, राइटिंग का चाहिए था, इंग्लिश का चाहिए था, और वो ढूंढते ढूंढते एक दिन बहुत ही यू नो एक्सीडेंटली यू कैन से हैप्पी एक्सीडेंट, पिज्जू रेस्टोरेंट मेरा बहुत फेवरेट होता था, उन्होंने मैं लैपटॉप लेके वहाँ पे आई हैविंग द ब्रेकफास्ट, दे वर सर्विंग ब्रेकफास्ट दैट टाइम एंड आई वाज रीडिंग अबाउट ये जो मिस्टर जगदीश मेहता है महाराज के, तो वो सारा नॉस्टैल्जिया उनका वो सब करके, देन आई जस्ट वॉक्ड इन टू हिज शॉप जो नीचे है और वो वहाँ थे, उनके से बात हुई एंड ही स्पोक अ लॉट अबाउट कश्मीर, वी बॉन्डेड ओवर कश्मीर। और उसके बाद मैं ऐसे ही मैंने उनको बता दिया कि एक दफ़ा मैं 2013 में कॉट्सवॉल्ड्स गई थी, वहाँ के टी रूम्स, और देखिए हमारे पास कितनी खूबसूरत जगह है, जेहलम के किनारे ऐसा एक टी रूम हो सकता है। और उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, आप करोगे? मेरे को तो ये अजीब सा लगा बिकॉज मैं किधर से किधर, सो एंड दैट्स तो रोजी चाय जाय अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर है, जितने भी लोग बाहर से आते हैं, चाहे टूरिस्ट हो, सेलिब्रिटीज हो, चाय जाय तो हर एक की ज़ुबान पे है और इंशाल्लाह आगे भी रहे। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा कि ई लर्निंग के बाद आप यहाँ एज एंटरप्रेन्योर आई और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ जो कश्मीर में लोग हैं, क्या स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का, क्या चीज़ ज़रूरी है जो यहाँ के लोगों को, यूथ को सपोर्ट करेगी इस चीज़ में? एक्चुअली देखो, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अबाउट 10 ईयर्स बैक मैंने एक छोटा सा वेंचर किया था कशीर के नाम से, बॉम्बे में भी शुरू किया था और यहाँ भी। तो
कश्मीरी जो क्राफ्ट आप देख रहे हो ना, इसी को कंटेम्पराइज करने की कोशिश की. एंड आई कुड नॉट, आई फेल, आई रैन इट फॉर 3 years और फिर मुझे बंद करना पड़ा. रिसोर्सेज ऑब्वियसली इट्स नो ब्रेनर, यू नीड मनी. जब तक आपके पास फाइनेंशियली साउंड नहीं हुआ या इतना आप 3 years के लिए अपने आप को आप सपोर्ट कर पाने चाहिए तो फिर होगा. उसको मैं कितना स्ट्रेस करूं, बिकॉज जब आप यंग हो, ड्रीम्स है, आइडियाज है, बहुत है, लेकिन फाइनेंशियली कहीं पे आपको उसको साउंड बनाना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. फिर आपके पास एक फोकस्ड आइडिया होना चाहिए, उसी के अराउंड आप बिजनेस बिल्ड करोगे. कश्मीर में क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स अ गवर्नमेंट जॉब. It is so tragic. And here I am, and I had a government job and I quit it many years back. Why? Because I felt कि उसमें आप grow ही नहीं कर सकते हो. और अगर आपकी ये भी ख्वाहिश है कि आप कश्मीर के लिए कुछ करो, society के लिए कुछ करो, मेरे हिसाब से government is the last thing you should look at. Whether you're a government servant, you're a politician, whoever you are. मैं अपनी निजी जिंदगी में अपने लिए मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो आप गवर्नमेंट में बैठ के नहीं कर सकते. अगर आप इम्तियाज एक जर्नलिस्ट हो, अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी और दिल लगा के करोगे और उसमें ग्रो करना चाहोगे और स्टैंडर्ड से, क्वालिटी से करना चाहोगे, आप जो कंट्रीब्यूशन कश्मीर की सोसाइटी को करोगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा अफसर वो सब कर सकता है. ये मेरा अपना मानना है. बिल्कुल. और यहाँ पे द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फेस्ड वाज एनीबडी हु केम हियर टू वांट अ गवर्नमेंट जॉब एंड दे आर टैलेंटेड, दे आर स्किल्ड, बट स्टिल वांट टू डू इट. एंड उस वजह से जो हमारा अपना जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो एक इनोवेशन का ये है, स्किल है या सोच है, जो माइंड सेट है ना, जब वही खराब हो गया है तो फिर आप कुछ देते पेपर मैशी को ही ले लो. बिल्कुल. देर इज नो डिजाइन इंटरवेंशन हैपनिंग. व्हाई डिड पीपल लाइक चाय जाय? इट्स डियर टू मी, दैट्स फाइन. इट्स डियर टू ऑल ऑफ अस. इट्स अबाउट कश्मीर. But what is the one thing that people are liking? They are liking that there is a design innovation here. आपने किसी चीज़ को थोड़ा बदलने की नहीं कोशिश की, उसमें कुछ freshness लाई. कश्मीर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो perfect है. बिल्कुल. But change is a constant thing, so you need to change. वो reflect होना चाहिए. तो मुझे लगता है यहाँ जो आप सबको पसंद है ना, वो ही बात पसंद है. अगर अगर आप अपने काम में भी वो बात लाओगे, अगर तौसीफ भी लाएंगे, अगर हम सब लोग लाएंगे, वी सी जो हम जो दिल से हम लोग चाहते हैं ना कि कश्मीर खुश हो, आबाद हो, तो एक लेवल पे वो हो जाएगा. बाकी कैसे होगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर होगा. अरुण जी, जैसे आपने अभी कहा कि लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे हैं, वाइल दे हैव मैनी अदर थिंग्स टू डू जिनमें वो एक्सेल कर सकते हैं लाइफ में एंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्टेट को, अपने आर्ट को, ट्रेडिशन को, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सी, इट माइट साउंड लाइक अ क्लीशे एंड हर इंसान ऐसा बोलता है, बट मुझे लगता है वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स. ओके. मैं तो बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि आपको एक्सक्लूसिविस्ट नहीं होना चाहिए. मैं कश्मीरी हूँ और बहुत ही प्राउड कश्मीरी हूँ, और वही चीज़ आप जाए जाए में देखते हैं. इट्स रियली अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय आइडेंटिटी एज अ कश्मीरी. लेकिन मैं नहीं समझती कि हम दुनिया में सबसे अच्छे या सबसे बुरे लोग हैं. हम लोग हम हैं, हमारी अपनी खासियत, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सोच है. लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया है, उससे हम कितना सीख सकते हैं, उसको भी, उसके इन्फ्लुएंस को भी अपने आप में ले सकते हैं और अपने इन्फ्लुएंस को भी वहाँ पे दुनिया में दिखा सकते हैं, चाहे किसी भी स्फीयर में. तो वो सब सोच रखना, उस तरीके से सोचना, उस तरीके से अपना काम करना, चाहे हमारा, एंड आई विल स्ट्रेस दिस बिकॉज आई एम रियली, यू नो,
it's a small tea room I run at the end of the day, right? So I'm not some, you know, big shot personality. But अपनी छोटे छोटे कामों में अपनी जिंदगी में अगर ये माइंड सेट आएगा तो मुझे लगता है दैट बी गुड. यहाँ की जितनी भी हमारी यंग वुमन फोक हैं वो आपको एक आइडल की तरह मानते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए, उन खासकर वुमन के लिए, गर्ल्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में अपना एज एन एंटरप्रेन्योर वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर? जैसा मैं बोलती रहती हूँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ और उसका बहुत बैकलैश भी होता है, बहुत पुशबैक भी होता है, पूरी उम्र मैंने ये सब देखा है. लेकिन एक बात वाजे करूँगी, फेमिनिस्ट जो है वो एंटी मैन नहीं होती है. वो हमारे तबके को, औरतों को बराबरी का दर्जा मिले, उनके राइट्स सेफगार्ड हों, वो कहते हैं हम लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे घरों से भी आते हैं और बहुत ही अच्छा वैल्यू सिस्टम भी रखते हैं. बट हाँ, एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है मेरी जनरेशन के बनस्पत जो आज की यंग जनरेशन कश्मीरी बॉयज़ एंड गर्ल्स को, मुझे लगता है वो टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा है और शायद इंटरनेट की वजह से जो एक्सपोजर मिला है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना हमसे ज़्यादा बेहतर चाहते हैं. तो मुझे तो लगता है उनका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है और वो अपने आइडेंटिटी को, कल्चरल आइडेंटिटी को जितना भी एक्सप्रेस कर सकें, जितने फील्ड्स में एक्सप्रेस कर सकें, अपने जो अच्छे वाले ट्रेडिशंस हैं उनको री इमेजिन करके सबके सामने पेश कर सकें और जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसको रीविजिट करें और नया सोचें उसको. आई थिंक वर्ल्ड इज आवर्स.